दौसा सांसद जसकौर मीणा ने जिला परिषद सभागार में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद मीणा ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों के लिए किसानों को 50% अनुदान यहां पर मिलेगा, तो साथ ही में सांसद मीणा ने यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों को रोकने के सवाल पर कहा कि इस महामारी के दौर में कोई भी व्यक्ति दलगत राजनीति ना करे और सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना पूरा सहयोग करे। बाबा रामदेव तो बरसों से इस काम को कर रहे हैं, वैसे तो वो 1990 से ही काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सने सने छोटा छोटा काम करते हुए आज वो इस लेवल पे आ गए कि उनकी बहुत सारा उत्पादन विदेशों में जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। उनके भी 38 सेंट्रल भी फेल हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के फेल होते हैं, लेकिन वो बड़ी कंपनियाँ विदेशी हमारे देश में किसी न किसी तरह का पेपर वेट रख करके शायद स्वीकृत करा लेती होंगी। बाबा रामदेव ईमान और धर्म से चलने वाला इंसान है जो भारत को वाकई, और उन्हीं के नेतृत्व आज देश का नेतृत्व ऐसे ही बाबा के हाथ में है, जो नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ है, निष्पक्ष निस्वार्थ और राष्ट्रहित में और देश को जगत गुरु बनाने का सपना लेकर चलने वाला। तो वहीं धौलपुर जिले में कोविड-19